प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नयदीप मणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षोडश पाठ के पश्चात पाठ 6 के बारे में जानेंगे। पाठ 6 में संख्यावाची शब्द हैं, संज्ञा शब्दों के साथ साथ उसके विशेषण शब्दों का भी ज्ञान होना अनिवार्य होता है, और संख्यावाची इन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। हिंदी में भी हम लोग 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से संख्याओं को उसके नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से नाम से जानते हैं, वैसे ही इन संस्कृत भी हम लोग इसे संख्यावाची शब्दा के नाम से जानते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य के नाम से जाना जाता है। विशेष्य पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हुआ करता है, और जैसा कि जानते हैं जो मात्राएं विशेषण में लगती हैं वह संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार से होती है। अगर संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो उसमें उसके विशेषण में जो मात्रा लगेगी वह पुल्लिंग की मात्रा होगी, और अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो उसमें स्त्रीलिंग की मात्रा होगी, उसके संख्यावाची शब्द में स्त्रीलिंग की मात्रा होगी जो उसकी विशेषता बतला रही है, और अगर शब्द नपुंसक लिंग में है तो उसके संख्यावाची शब्द में उसके साथ आने वाले संख्यावाची शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए गए हैं उसमें नपुंसक लिंग की मात्रा होगी। तो संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, अतः यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग में ही होगा, उसके साथ में जो विशेषण प्रयोग में लाया गया है। यदि विशेष्य स्त्रीलिंग है तो संख्या भी स्त्रीलिंग में होगी, इसी प्रकार यदि विशेष्य नपुंसक लिंग है तो संख्या भी नपुंसक लिंग में होगी। 1 से 4 तक की संख्या के को सभी लिंगों में अलग अलग रखा जाता है, यानी कि 1 से 4 तक की संख्या के सभी लिंगों में उसके जो रूप होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। 5 तथा 5 के आगे की संख्याएं संख्याओं का रूप सभी लिंगों में समान होता है, यानी कि 5 को पंच कहते हैं। जैसे अगर कहेंगे पंच बालका, पंच बालिका या पंच पुस्तकानि, इस प्रकार से 6, 7 इस प्रकार से आगे के संख्याओं में जब उसका प्रयोग विशेषण के रूप में करेंगे तो वहाँ पर उसके रूप समान होंगे, लेकिन 1 से 4 तक की संख्याएं जो होती हैं वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होती हैं। आइए संख्याओं के इन रूपों को इस तालिका के द्वारा समझते हैं। जैसा कि जानते हैं संख्या में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से संख्या का जो यह है मूल रूप है, 1, 2, 3, 4 यह सब जो होता है यह इसका रियल रूप है, लेकिन अगर इसे पुल्लिंग के रूप में रखते हैं तो वहाँ पर एका होता है। 2, 3, 4 और जैसा कि जानते हैं नेम ऑफ नंबर्स में 1, 2, 3 और 4 के स्थान पर 1, 2, 3, 4 का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, इसलिए इन शब्दों को हम लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं वह है 1, 2, 3, 4 और नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं वह हैं 1, 2, 3, 4। जैसे अगर कहें एक लड़का तो कहेंगे एकह बालका, अगर कहेंगे 2 लड़के तो कहेंगे 2 बालको, और अगर कहेंगे 3 लड़के कहेंगे 3 बालका, और अगर कहेंगे 4 लड़के तो
कहेंगे चत्वारह बालका। इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों के साथ में इन विशेषणों का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें कहेंगे, अगर कहेंगे एक लड़की तो वो होगा एका बालिका, और कहेंगे दो लड़कियां तो द्वे बालिके, और कहेंगे तीन लड़कियां तो कहेंगे तीसरह बालिका, और कहेंगे चार लड़कियां चतुस्रह बालिका, इस प्रकार से होगा। और अगर नपुंसक लिंग में कहते हैं तो कहेंगे एक किताब तो कहेंगे एकम पुस्तकम, और कहेंगे दो किताबें तो द्वे पुस्तके, और कहेंगे तीन किताबें तो त्रीणी पुस्तकानी, और कहेंगे चार किताबें तो चत्वारी पुस्तकानी, इस प्रकार से विशेषण के साथ में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग संस्कृत में वाक्यों में भी किया जाता है, इसलिए संख्याओं का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। यहाँ तक कि संख्याएं वह अलग अलग होती हैं, फिर इसके आगे जब कहते हैं पाँच तो उसे पंच कहते हैं, छह कहते हैं उसे षट कहते हैं, सात को सप्त कहते हैं, आठ को अष्ट कहते हैं, नौ को नव कहते हैं, और दस को दस कहते हैं, ग्यारह को एकादश कहते हैं, बारह को द्वादश कहते हैं, तेरह को त्रयोदश कहते हैं, चौदह को चतुर्दश और पंद्रह को पंचदश, सोलह को षोडश और सत्रह को सप्तदश, अठारह को अष्टादश और उन्नीस को नवदश कहते हैं, और एकोनविंशति भी कहा जाता है, और बीस को विंशति। इस प्रकार से एक विंशति, दो विंशति, त्रयविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति और एकोन त्रिंशत् और त्रिंशत्, इस प्रकार से सौ तक की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं। जो भी जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वह इस प्रकार से होता है। तो हाँ, इसमें एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति कह सकते हैं, लेकिन एकोन त्रिंशत कहते हैं, फिर त्रिंशत, एक त्रिंशत, द्वा त्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, एकोन चत्वारिशत, चत्वारिशत, इस प्रकार से सौ तक की संख्या को सहस्त्रम, हजार को सहस्त्रम, सौ को शतम, पचास को पंचाशत, इस प्रकार से संख्याओं को कहा जाता। तो आपके इस पाठ्यपुस्तक में एक से लेकर चार तक के संख्याओं को विशेषण के रूप में दर्शाया गया है, और यहाँ पर दस तक की संख्याएं दी गई हैं इस पाठ में। इस पाठ के अनुसार से हम लोग देखेंगे और इसे पढ़कर समझेंगे विस्तृत रूप से। आगे संख्याएं एक साथ में होंगी, संख्यावाची शब्द का अलग से वीडियो बनाएंगे। यह पाठ वर्णन है और इसमें एक से दस तक की संख्याओं का किस प्रकार से प्रयोग होता है वाक्यों में, इसे समझेंगे यहाँ पर। तो क्लियर है, इसमें एक, दो, त्रय, चत्वारह यह पुल्लिंग के लिए होता है, एका, द्वे, तीसरा, चतुस्रह यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में आता है, और एकम, द्वे, त्रीणी और चत्वारी का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है। आइए वाक्य में देखते हैं जिस प्रकार से लिखा है। एक अच्छा लड़का को एका शोभना बालिका कहा गया है, एक अच्छी लड़की एका शोभना बालिका कहा जाता है, एक अच्छी किताब तो एकम शोभनम पुस्तकम, एक अच्छा फूल तो एकम शोभनम पुष्पम, इस प्रकार से होता है। दो लड़के द्वौ बालो, दो लड़कियां द्वे बालिके, दो फल द्वे फले, तीन लड़के त्रयह बालका, तीन चिड़िया तीसरह चटका, तीन फल त्रीणी फलानी,
इसके बाद है चार पक्षी चतवारा खगा, चार महिलाएं चतुरह महिला, चार मित्र चतवारी मित्रानी, एक नदी एका नदी, स्त्रीलिंग है इसलिए एका, दो नदियां द्वे नद्यौ, और तीन नदियां तीसरा नद्या, इस प्रकार से शब्द होते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग में है एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, एक वृक्ष तो एक वृक्ष है एक वृक्षा, एक किताब एकम पुस्तकम, दो शिक्षिकाएं दो अध्यापिका, द्वे शिक्षिके, दो पेड़ दो वृक्षों पुल्लिंग है, और नपुंसक लिंग है द्वे पुस्तके दो किताबें, तीन अध्यापिकाएं, तीसरा शिक्षिका, तीन पेड़ त्रय वृक्षा, और तीन किताबें त्रीणी पुस्तकानी, चार शिक्षिकाएं चतुरह शिक्षिका, चार पेड़ चतवारह वृक्षा, चार किताबें चतवारी पुस्तकानी। इसके बाद जैसा कि पहले कहा था पाँच, तो संख्या पाँच जो है उसके आगे वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में यह पाँच से समान होता है, पाँच और पाँच के आगे की संख्याएं समान होती, जैसे पंच शिक्षिका पाँच शिक्षिकाएँ, पंच वृक्षा यहाँ पर भी पंच है यहाँ भी पंच है दोनों बराबर है, पंच वृक्षा पांच पेड़ और पंच पुस्तकानी पांच किताबें। इसके बाद देखें षट सप्त अष्ट नव दस सभी में यह संख्यावाची शब्द बराबर है। आइए इस पाठ के जो संस्कृत और हिंदी वाक्य हैं इसे जानते हैं। विवेक एक शोभन बालक अस्ति, विवेक एक अच्छा लड़का है, तो एक शोभना बाल का एक लड़का इसलिए एक लगाया गया है। सीमा एका शोभना बालिका अस्ति, सीमा एक अच्छी लड़की है, लड़की है इसलिए एका लगाया गया है। तत्र एकम शोभनम पुष्पम अपतत, वहाँ एक अच्छा फूल गिरा, तो पुष्पम है इसलिए एकम है। एकम शोभनम, शोभनम यहाँ पर विशेषण का शब्द भी है, बालिका के अनुसार से शोभना है और बालिका के अनुसार से शोभना है और पुष्पम के अनुसार से शोभनम है, यह विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बतलाई जा रही है वह एका एका एकम के द्वारा। तो इसमें संज्ञा शब्दों की दो दो विशेषण है, पहला तो एक और दूसरा अच्छा। शिक्षक बालकान अवदत, शिक्षक लड़कों को बोले। द्वौ बालौ अत्र आगस्ताम, दो बच्चे यानी दो लड़के यहाँ आए। द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम, हाँ दो लड़कियाँ मतलब आए हैं, तो आगस्ताम यह लोट लकार का प्रयोग किया गया है इसमें, हाँ द्वौ बालौ अत्र आगस्ताम, दो लड़के यहाँ आए आए हैं, आए नहीं आए आए कहा जाता है, मतलब बुलाया जाता है आग्रह किया जाता है ना, तो उसके अनुसार से यानी तो उसमें आए कहते हैं। द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम, दो लड़कियाँ वहाँ बैठे। अत्र द्वे फले सतः, यहाँ दो फल हैं। त्रय बालका क्रीडंती, तीन लड़के खेलते हैं। अत्र तीसरा चटका कुजंती, यहाँ तीन चिड़िया चहचहाती हैं। त्रीनी फलानी करंडके संती, तीन फल टोकरी में है, करंडक मतलब टोकरी होता है। त्रीनी फलानी करंडके संती, तीन फल टोकरी में है। चत्वारह खगा उत्पतंती, चार पक्षी उड़ते हैं। चतुरह महिला भ्रमंती, चार महिलाएं घूमती हैं। यहाँ पर खगा पुल्लिंग का शब्द है बहुवचन का है, चतुरह लगा है, तो महिला स्त्रीलिंग का शब्द है इसके साथ चतुरह लगा है, वैसे ही जैसे कि चटका स्त्रीलिंग का शब्द है, चतुरह तीसरा है,
चटका स्त्रीलिंग के साथ तीसरा, और फलानी नपुंसक लिंग है तो त्रीनी है, बालका पुल्लिंग है तो त्रय है। इस अनुसार से यहाँ पर भी है महिला के साथ चतुरा और खगाह के साथ चतवारा, मित्रानी के साथ में चतवारी है तो चतवारी मित्रानी भोजनम कुर्वन्ती, चार मित्र भोजन करते हैं। प्रयागे एका नदी अस्ति गंगा, प्रयाग में एक नदी है गंगा। द्वे नद्यो सता, दो नदियां हैं गंगा यमुना च, गंगा और यमुना दो नदियां हैं। न तत्र तीसरा नद्या संति, नहीं नहीं वहाँ तीन नदियाँ हैं प्रयाग में, यानी जहाँ पर कि कहा माना जाता है तीनों नदियाँ मिलती हैं उसी के बारे में है। तो नहीं तत्र तीसरा नद्या संति, वहाँ तीन नदियाँ हैं। तो तीसरा स्त्रीलिंग शब्द है यमुना गंगा सरस्वती च, यमुना गंगा और सरस्वती। प्रयागे एका नदी अस्ति, पहले एक नाम आया है तो वह बोला गया है नदी स्त्रीलिंग है एक है तो एका नदी कहेंगे, इस अनुसार से बतलाया गया है गंगा। अगर दो नदी कहेंगे तो द्वे नद्यो, हाँ तो द्वे नद्यो सता, तो दो नदियां हैं, तो गंगा यमुना चो, गंगा और यमुना, तो दो नदियों के नाम के लिए कहा गया है द्वे नद्यो। फिर न न मतलब नहीं नहीं अव्यय शब्द है, न को नहीं कहते हैं। न तत्र तीसरा नद्या संति, वहाँ तीन नदियाँ हैं यमुना गंगा सरस्वती च, यमुना गंगा और सरस्वती। इस प्रकार से संख्यावाची शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है इस पाठ में जो बात है। और यहाँ पर देखें यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में के शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया गया है। एका शिक्षिका एक अध्यापिका, द्वे शिक्षिके दो अध्यापिकाएं, तीसरा शिक्षिका तीन अध्यापिकाएं। शिक्षिका बहुवचन है, तीसरा शिक्षिका तीन से अधिक बहुवचन होता है, तो तीसरा शिक्षिका तीन अध्यापिकाएं, चतुरा शिक्षिका चार अध्यापिकाएं, पंच शिक्षिका पांच अध्यापिकाएं। यहाँ पर जो बतलाया गया है वह कंपेयर किया गया है। पहले देखते हैं एका वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, एक वृक्ष, दो वृक्षों दो पेड़, त्रय वृक्षा वृक्षा बहुवचन है त्रय है, त्रय वृक्षा तीन पेड़, चत्वारा वृक्षा चार पेड़ और पंच वृक्षा पांच पेड़। एकम पुस्तकम एक किताब, द्वे पुस्तके पुस्तके द्विवचन है तो द्वे है, द्वे पुस्तके दो किताबें, त्रीणी पुस्तकानी तीन किताबें, चत्वारी पुस्तकानी चार किताबें और पंच पुस्तकानी पांच किताबें। इसमें कंपेयर करें एका एकम, एका एकम और एका, यह पुल्लिंग नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार से शब्द के अनुसार से है। फिर पुल्लिंग द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे का प्रयोग किया गया है, नपुंसक लिंग में भी द्वे का प्रयोग है। फिर पुल्लिंग में त्रय है, स्त्रीलिंग में तीसरा है, नपुंसक लिंग में त्रीनी का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग में चतवारा है, स्त्रीलिंग में चतुरा और नपुंसक लिंग में चतवारी का प्रयोग है। और यहाँ पर देखें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों में पंच का प्रयोग है, पंच 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 तीनों में, यानी कहने का अर्थ है कि पाँच और पाँच के आगे की संख्याएं समान होती हैं। जैसा यहाँ देखें षड बालिका छह लड़कियाँ, षड बालिका छह लड़के, षड फलानी छह फल, इस अनुसार से सभी में बराबर है षड। फिर सप्त अंगुलियाँ सात अंगुलियाँ, सप्त शिशु सात बच्चे, सप्त नक्षत्राणी सात तारे, अष्ट अंगुल्य आठ अंगुलिया, अष्ट बाला आठ बच्चे, अष्ट फलानी आठ फल, नव बालिका नौ लड़कियां, दस, इस प्रकार से नव बालका भी कह सकते हैं नौ लड़के, और नव फलानी कह सकते हैं नौ फल, नव छात्रा नौ छात्र सभी लड़के हैं, हाँ तो छात्रा में बहुवचन में आता है, तो इस प्रकार से
नव कन्या, नव लड़कियां और नव भवनानी, नव नव मकान यह भी कह सकते हैं। तो नव पुष्पानी, नव फूल, दस बालिका, दस लड़कियां और दस वानरा, दस बंदर, दस पत्रानी, दस पत्ते। तो यह सभी संख्यावाची शब्द हैं जो पाँच से आगे दस तक सभी में समान होता है, और जो जानते हैं बालका बालको बालका के अनुसार से अलग अलग रूप होता है इसमें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बहुवचन के आगे। तो एक से चार तक के की संख्याएं अलग अलग होती हैं और पाँच के ऊपर की संख्याएं सभी समान होती हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। जो दिया हुआ है वह है, उसमें अशुद्ध है, उसे शुद्ध करना है। जैसा पहला, तीसरा बालका, तो तीसरा स्त्रीलिंग का शब्द है, उसे सही करके लिखा गया है त्रयः बालका, इसी अनुसार से इसे सही करना है। एकम बालः, बालः पुल्लिंग का शब्द है, एकम ना होके एक होगा, एक बालः, यानी बालका भी कह सकते हैं बालः। तो एकम एकम बालः के स्थान पर एक बालः। ख नंबर में है तीसरा पुस्तकानी, तीसरा स्त्रीलिंग का शब्द है, तो उसके स्थान पर होगा त्रीणी पुस्तकानी, त्रीणी कहेंगे, और तब पुस्तकानी जो लिखा हुआ है उसी को रिपीट कर देंगे। द्वौ महिले, द्वौ पुल्लिंग का शब्द है और महिला महिले के साथ में द्वे होगा, तो द्वे महिले इस प्रकार से लिखेंगे, द्वे महिले। फिर है चत्वारी वेदाह, चत्वारी नपुंसक लिंग का शब्द है, वेदाह पुल्लिंग का शब्द है, चत्वारह वेदाह, चार वेद। द्वौ फले, फले नपुंसक लिंग का शब्द है, इसमें द्वे लगता है, तो द्वे फले। फिर है एका पुस्तकम, एका स्त्रीलिंग का शब्द है, एकम पुस्तकम, एकम लिख लेंगे फिर पुस्तकम लगा देंगे। फिर है चत्वारी मयूरा, चत्वारी नपुंसक लिंग का शब्द है और मयूरा पुल्लिंग का शब्द है, चत्वारा मयूरा इस प्रकार से होगा। फिर चत्वारा कदली फलानी, चत्वारा पुल्लिंग शब्द है, कदली फलानी नपुंसक लिंग, तो चत्वारी कदली फलानी, चतवारी नपुंसक लिंग का शब्द लगा लेंगे और कदली फलानी। इसमें जो पहला सही उत्तर होगा एकह बाला, उसके बाद त्रीणी पुस्तकानी, उसके बाद होगा द्वे महिले, फिर होगा चत्वारह वेदा, फिर द्वे फले, फिर एकम पुस्तकम, चत्वारह मयूरा और चत्वारी कदली फलानी। इसके बाद है, यहाँ पर भी सही करना है वाक्य को, तो इसमें वह तो शब्द था, उसमें यहाँ पर वाक्य बना हुआ है। जैसा लिखा है एकम बालका पठती, तो एकम स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का शब्द है, तो उसे सही करके लिखा गया है एका बालका पठती। यहाँ पर विशेषण के शब्द जो है वह इसमें गलत दिए गए हैं, उसे सही करना है एका पुष्पम वृक्षे अस्ति, तो यहाँ पर पुष्पम है नपुंसकलिंग है, इसमें एकम लगाएंगे, तो एकम पुष्पम वृक्षे अस्ति इस प्रकार से इसे सही कर लेंगे, एकम पुष्पम वृक्षे अस्ति। ठीक है, त्रयः चटका उत्पतन्ति, त्रयः पुल्लिंग का शब्द है, उसके स्थान पर लिखेंगे तीसरा चटका उत्पतन्ति, तीसरा चटका उत्पतन्ति होगा। उसके बाद है अस्मिन् गृहे चत्वारि सदस्याः वसन्ति, तो चत्वारि नपुंसकलिंग का शब्द है और उसके स्थान पर चत्वारह लिखेंगे, बाकी वाक्य को रिपीट कर लेंगे, यहाँ पर चत्वारह लिखेंगे यह और इसे रिपीट कर लेंगे, अस्मिन् गृहे चत्वारः सदस्याः वसन्ति इस प्रकार से हो जाएगा, चत्वारह सदस्य पुल्लिंग हो जाएगा। फिर उद्याने चस्रह बालका क्रीडन्ति, चस्रह स्त्रीलिंग का शब्द है, चस्रह के स्थान पर चत्वारह लिखेंगे, उद्याने चत्वारह बालका क्रीडन्ति इस प्रकार से सही हो जाएगा, चत्वारह बालका क्रीडन्ति। फिर है द्वे बालकौ आपणम गच्छतः, दो लड़के हाँ बाजार गए, तो द्वे स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए वहाँ पर हो जाएगा द्वौ, द्वौ बालकौ आपणम गच्छतः, दो लड़के बाजार गए इस प्रकार से इसे सही करेंगे।
तो जो सही उत्तर होगा होगा एकम पुष्पम वृक्षे अस्ति, उसके बाद होगा तीसरा चटका उत्पतन्ति, फिर होगा अस्मिन् गृहे चत्वारः सदस्याः वसन्ति, उद्याने चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति, द्वौ बालकौ आपणं गच्छतः। इस प्रकार से अब यहाँ कोष्टक में नंबर भी दिया हुआ है, नंबर के अनुसार से उस वहाँ पर शब्द लगाना है। हालांकि कोष्टक दिया हुआ है, कोष्टक नहीं भी रहता है कुछ, तो उसके अनुसार से शब्द लगाना है। संख्यावाच के आधार के रूप में सब नंबर दिया हुआ है। तो अंगुष्ठौ, अंगुष्ठौ द्विवचन का शब्द है, वहाँ पर द्वौ लगेगा, हालांकि इसमें भी दिया हुआ है, जिसे चुनकर यहाँ पर लिख देंगे द्वौ। तो मम हस्तयो द्वौ अंगुष्ठौ स्वतः, मेरे दो हाथों में दो अंगूठे हैं, तो द्वौ अंगुष्ठौ स्वतः, इस प्रकार से हो गया। फिर है तत्र एकः कुकुरः तिष्ठति, कुकुरः पुल्लिंग का है इसलिए एकः लिखेंगे, तो एकः, वहाँ एक कुत्ता बैठता है, तत्र एकः कुकुरः तिष्ठति, एक है। फिर है बालकानां हस्ते एकम कंदुकम, इसमें नपुंसक लिंग का शब्द है तो एकम लगा है, अस्ति है। बालकानां हस्ते एकम कंदुकम अस्ति, तो लड़कों के हाथ में एक गेंद है, तो एकम इसमें सही जवाब होगा, इसके अनुसार से इसे लिख लेंगे। फिर है अहम पुस्तकम, पुस्तकम इसमें नपुंसक लिंग का शब्द है, तो अहम एकम पुस्तकम क्रीणामि, मैं एक किताब खरीदता हूँ, तो एकम पुस्तकम, एकम इसमें सही जवाब होगा। फिर है त्रीणि फलानि चत्वारि पुष्पानि च तत्र सन्ति, तो यहाँ पर त्रीणि इसलिए लगाया है क्योंकि पुष्प फलानि जो है, त्रीणि फलानि तीन फल, फलानि नपुंसक लिंग है इसलिए त्रीणि, और पुष्पानि भी नपुंसक लिंग है इसलिए चत्वारि, तो इसमें त्रीणि और चत्वारि यह दोनों सही जवाब होगा। पहला में त्रीणि होगा, तीन है इसलिए तीन फल और चार फूल वहाँ हैं, त्रीणि फलानि चत्वारि पुष्पानि चौ तत्र सन्ति। पहला में जवाब हो जाएगा द्वौ, दूसरे में एकः, उसके बाद एकम, एकः क्योंकि एकः कुकुरः, द्वौ अंगुष्ठौ, एकम कंदुकम, एकम पुस्तकम, त्रीणि फलानि और चत्वारि पुष्पानि। भाषा अवबोध के दूसरे प्रश्नोत्तर में जो शब्द कोष्टक में दिए गए हैं वह आधार के शब्द हैं, और उसके अनुसार से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों को इसमें बनाना है। वेदाह पुल्लिंग का शब्द है तो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः होता है, चत्वारः चार होता है, चार वेद होते हैं, तो चतुर शब्द संकेत में दिया गया है, उसके रूप को लिखेंगे तो वहाँ होगा चत्वारः, तो वेदाः चत्वारः सन्ति, इस प्रकार से होगा। वेद चार हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चार वेद माने गए इसलिए चार वेद हैं, तो इसमें चतुर का चत्वार रूप लगेगा। तत्र गृहात बहिः पंच मार्जाराः तिष्ठन्ति, वहाँ घर के बाहर मार्जाराः मतलब बिलाड़ कहते हैं, बिल्ले को, तो पांच बिलार बैठते हैं, वहाँ घर के बाहर पांच बिलार बैठते हैं, मार्जाराः तिष्ठन्ति, पंच का पंच रूप ही होता है क्योंकि पांच के आगे की संख्याएं समान होती हैं। फिर अहम मूसिका स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए चत्सरह लगाएंगे, चतुर का रूप होगा चत्सरह, अहम चत्सरह मूसिकाः अपश्यम, मैंने चार चूहियाँ देखी, तो चार चूहियाँ देखी तो इसमें मैंने चूहों को देखा, चूहियों को मैंने चार चूहियों को देखा, यानी चार चूहियाँ देखें, तो अहम चत्रा मूसिका अपश्यम, मैंने चार चूहियों को देखा, तो चत्रा मूसिका के कारण से चत्रा लगा है, ठीक है। इसमें मम गृहे द्वौ मूसकौ स्वतः, मेरे घर में दो चूहे हैं, तो मूसकौ पुल्लिंग का शब्द है इसलिए द्वौ होगा, द्वौ मूसकौ स्वतः, तो द्वि का द्वौ रूप लगेगा, पुल्लिंग वाला रूप। मूसिका स्त्रीलिंग है इसलिए चसरा स्त्रीलिंग का रूप लगा है,
मार्जारा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए पंच मार्जारा है और वेद पुल्लिंग है इसलिए चत्वार लगा। इसके बाद है अस्मिन सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, तो पांच के आगे जानते हैं कि संख्याएं समान होती हैं इसलिए सप्त का सप्त रूप ही लगेगा, तो इसमें सप्त दिनानि सन्ति। इसके बाद तो इस प्रकार से यह जो सही जवाब होगा वेदा चत्वारः सन्ति, वेद चार हैं, तत्र गृहात् बहिः पंच मार्जाराः तिष्ठन्ति, अहम् चत्स्रः मूषिकाः अपश्यम्, मम गृहे द्वौ मूषकौ सता, और एकस्मिन् सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। इसके बाद मिसमैच में है जो शब्द हैं उसके सामने में नंबर सही लगाया है, पिक्चर भी दिख रहा है, चतवारह वृक्षा इसमें देख रहे हैं, चार वृक्ष यहाँ पर है तो चौथा नंबर इसके सामने में सही होगा। हालांकि चित्र बनाना है तो इसे अपने रेखा उत्तर पुस्तिका में इसे लिखकर इसके सामने सही चित्र को बनाएंगे। तो चार पेड़ का चित्र इसके सामने में होगा। फिर द्वे पुस्तकें दो किताबें, पहला नंबर जो सही इसका जवाब है इसके सामने में आएगा तो पहला नंबर होगा। तीसरा चटका तीन चिड़िया, दूसरा नंबर सही जवाब है इसके सामने में होगा। और सप्त नक्षत्रानी सात तारे, तो सात तारे इसके सामने में तीसरा नंबर होगा। चौथा नंबर प्रश्न में अनुवाद है जैसा आप सभी पाठ में है उसके अनुसार से है, तो इसमें अनुवाद में हिंदी का संस्कृत अनुवाद है, जैसा कि पाठ का संस्कृत का हिंदी अनुवाद मैंने बतलाया उस अनुसार से आप यहाँ पर हिंदी अनुवाद बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हल कर दिया है, इसे सुने समझे। मेरे पास चार रुपये हैं, तो पास को इसमें पार्श्वे भी कहते हैं, एक शब्द होता है पार्श्वे वह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समीपे लिखना ज़्यादा बेटर है क्योंकि आसान होता है पार्श्वे या समीपे। हाँ तो समीपम है जहाँ वहाँ पार्श्वम लिखेंगे, यानी समीपे मतलब पार्श्वे भी, ठीक है। तो मम समीपे चत्वारि रूप्यकाणि सन्ति, रूप्यकाणि तो रूप्यकाणि मतलब रुपये होता है, रूप्यकम रुपये के रूप्यकाणि, मम पार्श्वे चत्वारि रूप्यकाणि सन्ति, रुपया नपुंसक लिंग का शब्द है इसलिए रूप्यकाणि, मम पार्श्वे चत्वारि रूप्यकाणि सन्ति, मेरे पास चार रुपये हैं। पांच लड़कियां रंगमंच पर नाचती हैं, पंच कन्या लड़कियां कन्या पंच कन्या रंगमंच, अंगा दे करके नीचे गो लगाएंगे रंगमंच, पंच कन्या रंगमंचे नृत्यंती, रंगमंच अंगा लिख करके नीचे में गो लगाया है, मो यो चौ संयुक्त यो आधा और चौ एक आर, तो रंगमंच जो हिंदी में है उससे थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। तो पंच कन्या रंगमंचे नृत्यंती, पांच लड़कियां रंगमंच पर नाचती हैं। चार लड़के माँ के पास गए, चत्वारह बालका मातु पार्श्वम भी लिख सकते हैं ऐसे समीपम, समीप गए निकट गए, तो चत्वारह बालका मातु माता के मतलब षष्ठी विभक्ति मातु समीपम अगच्छन, चार लड़के गए इसलिए अगच्छन चार लड़कों के लिए है, चत्वारह बालका मातु समीपम अगच्छन चार लड़के माता के समीप गए, नौ दिनों तक तुम यहाँ रहे, नव दिनानी यावत, नौ दिनों तक यावत मतलब तक, नौ दिनों तक नव दिनानी यावत, दिनानी नपुंसक लिंग का शब्द है, दिनम दिने दिनानी तो दिन, हाँ इस अनुसार से दिनानी होगा, तो नव दिनानी यावत त्वम अत्र अवसा, अवसा पास्टेंस लंग लकार का रूप है, तो त्वम अत्र अवसा तुम यहाँ रहे उसके पहले हो जाएगा नव दिनानी यावत, नव दिनों तक तुम यहाँ रहे। इसके बाद है हाथ में पांच अंगुलियाँ होती हैं का भवंती होता है, हाथ में हस्ते पांच को पंच कहते हैं, हस्ते पंच अंगुल्या अंगुलियाँ का बहुवचन अंगुली शब्द का अंगुल्या है तो दीर्घिकारांत शब्द है, तो अंगुल्य हस्ते पंच अंगुल्या भवंती, हाथ में पांच अंगुलियां होती हैं, मम समीपे
चत्वारि रूप्यकाणि सन्ति, मेरे पास 4 रुपये हैं। पंच कन्या रंगमंचे नृत्यन्ति, 5 लड़कियां रंगमंच पर नाचती हैं। चत्वारह बालका मातु समीपम अगच्छन्, 4 लड़के माता के पास गए। 9 दिनों तक तुम यहाँ रहे, 9 दिनानि यावत त्वम अत्र अवसह। हाथ में 5 उंगुलियाँ होती हैं, हस्ते 5 उंगुलियाँ भवन्ति। इसके बाद कहा है किम त्वम परस्परम चाकले वितरणे निष्कपटता वर्तते, क्या तुम चॉकलेट बांटने में निष्कपटता यानी छल छल नहीं करते हो, तो इसके बारे में है पूछा गया है। तो यहाँ पर छल नहीं करना चाहिए, जो जब बांट रहे हो तो बराबर बांटना चाहिए उस अनुसार से, यह मूल्य परख है, सीख लेने की बातें हैं। तब मित्रम कक्षायाम प्रथमम स्थानम लब्धवान, तुम्हारा मित्र कक्षा में प्रथम स्थान पाया है। त्वम तम वर्धाप्य तादृशम साफल्यम प्राप्तुम प्रयासम करियसी वा ऋष्याभावम अनुभवसी, अर्थात तुम उसको यानी तुम्हारा मित्र प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तुम उसको बधाई देकर वैसी सफलता प्राप्त करने का प्रयास करोगे। हाँ, तो मतलब तादृशम उसके समान साफल्यम मतलब साफल्यम प्राप्तुम सफलता प्राप्त करने का प्रयासम करिष्यसि प्रयास करोगे वा ईर्ष्याभावम अनुभवसि या ईर्ष्याभावना अनुभव करोगे, तो उसके समान सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए, उसे पहले बधाई देंगे और बधाई देकर उसके समान सफलता पाने का प्रयास करेंगे। इस पाठ के क्रियाकलाप में जो शब्द हैं वह देखें, इसमें एकम फलम पतति कहते हैं एक फल गिरता है, चित्र के अनुसार से इसका संख्या रूप लिखना है। एका मृग धावती एक मृग दौड़ता है, एका कन्या नृत्यति एक लड़की नाचती है। फिर है यहाँ पर लिखेंगे द्वे पुष्पे दो फूल और खिलते हैं तो विकसतः, दो फूल खिलते हैं, क्लियर है। इसके बाद है द्वौ बालकौ तरतः, दो लड़के तैरते हैं, हाँ दो पक्षी हैं तो द्वौ खगौ उत पतता, दो पक्षी उड़ते हैं, तीन पत्ते हैं सीधा हो जाएगा। त्रीनी पत्राणी में संति, तीन पत्ते हैं, इसमें कोई क्रिया नहीं है। यहाँ पर तीन आदमी हैं, तो त्रयः नरः संति बहुवचन है, संति होता है, जैसा त्रीणि पत्राणि संति है वैसे ही त्रयः नरः संति, यहाँ पर होगा तीन लड़कियाँ हैं तो तीसरा कन्याः और कन्याः में संति, क्लियर है। द्वे पुष्पे विकसतः लिख लेंगे, दो फूल खिलते हैं। द्वौ बालकौ तरतः, दो लड़के तैरते हैं। उसके बाद है द्वौ खगौ उत्पततः, दो पक्षी उड़ते हैं। त्रीणि पत्राणि सन्ति, तीन पत्ते हैं। त्रयः नरः सन्ति, नर पुल्लिंग है त्रयः होगा, यहाँ पर पत्राणि नपुंसक लिंग है, त्रीणि होगा। त्रयः नरः सन्ति और तीसरा कन्याः सन्ति, तीन लड़कियां हैं इस अनुसार से। तो संख्यावाची शब्द में एक का रूप में केवल एक वचन और तीन, हाँ अलग अलग तीनों लिंगों में यह शब्द चलता है, उसके अनुसार से होता है। हाँ तो एक दो, एक द्वि त्रि चतुर, यह सब का
जो बहुवचन रूप है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द होता है, इसे ध्यान रखें। पाँच से आगे की संख्याएं समान होती हैं। तो संख्यावाची शब्द का यह पाठ था जो आपने देखा। इसे अपने सुविधा के अनुसार से रिपीट कर सकते हैं, इसे रिपीट करें, देखें और इसे समझें, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपने CW SW कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।